पंजाब दे विच हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का एक भाईचारा वो एक साडे लई बड़ी वड्डी मिसाल है। जो पंजाब दे विच उन्होंने अमन शांति का काम किया सब नू कठिया करके रखिया सानू उन्हां तों सीखना चाहिए। बहुत छोटे सी जरों दे असी उन्हां नू देखदे सी साडे बुजुर्ग उन्हां दीआं गल्लां सुणाउंदे सी। मेरा बचपन जवानी ते हुण अगला सफर राजनीतिक लड़ाइयां सारियां पोलिटिकल पार्टियां दीआं चलदियां रहिणियां ते चलदियां रहियां इह खत्म नहीं हो सकदी। पंजाब दे विच अमन शांति पंजाब दे विच सैकुलरिज़म पंजाब दे विच हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का एक भाईचारा वो एक साडे लई बड़ी वड्डी मिसाल है। और जो पंजाब दे विच उन्होंने अमन शांति का काम किया सब नू कठिया करके रखिया अपने समाज तो भी गल्लां सुनिया अज भी लोग नहीं हटते। पर उन्होंने अपना जिहड़ा एक मिशन सी कि मैं पंजाब का एक जिम्मेदार व्यक्ति हाँ मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर मैं पंजाब की अमन शांति लई मैं सबनों नाल लैके चलना ये उन्होंने विचार सी। वो एक राजनीति दे संत सी सानू उन्हां तों बहुत कुछ सीखना चाहिए। जिस तरह पंजाब का माहौल कई बार बदलता रहिंदा सानू उन्हां तों सीखना चाहिए कि हरिमंदर साहब साडा पवित्र स्थान जिथे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चार दरवाजे से नमस्तक करता है साडा सारिया का इहदी अमन शांति रखना ये साडा सारिया का फर्ज बनता सानू उन्हां तों प्रेरणा लेनी। मेरा कभी इन्ना मेल नहीं होया पर हाँ जिंदगी दे विच एक बारी मैं उन्हां नूं फोन किया सी फोन करना नहीं चाहुंदा सी पर मेरे दोस्तों ने फोन मिलाता लाइन देती इत्थे उन्हां दे सैकटरी ने हरपाल सिंह जी जां उन्हां दा मैनूं नाम याद नहीं पूरा ते उन्हां ने फोन नाल ही अंदर मिला दिता। उन्होंने मैनू अगों ये गल कही जबकि मैं उम्र च बहुत छोटा उन्होंने सामने कुछ भी नहीं कहिंदा सरदार जी हुक्म करो। मैं कहा जी आ गल है कहिंदा जी तुसीं टैलीफोन रखो तुहाडे फलाना अफसर तुहाडे घर आउंदा है। मैं कहा जदों मंत्री सी उदों तां साडे तों कोई आया नहीं ते वह अफसर का फोन रखिया पांच मिनट च बड़े सीनियर अफसर का फोन आ गया कहिंदा जी मैं घर आना चाहुंदा। मैं कहा जी तुसीं मेरे घर ना आओ चंगा नहीं लगता कहिंदे फिर पंजाब भवन असीं चीफ मिनिस्टर सूट च मिलते हैं। उत्थे गया मैं कागज़ अगे रखिया कहिंदा जी कागज़ साइड ते करो ते काम तुहाडा हो गया। ये मेरी जिंदगी दी इक्को वारी मेरी टैलीफोन ते उन्हां नाल गल हुई है ना मैं उन्हां नूं कदी मिलिया सी बस उन्हां नूं फॉलो जरूर करदा सी वी साडी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दी भाईचारे दा संदेश एक इकट्ठे रखना ये उन्हां दा एक प्रेरणा उन्हां नूं जरूर मैं याद करदा सी ये मेरी जिंदगी दी गल्ल है। इस तरह पॉसिबल है कि होर आगू अजकल पॉलिटिक्स दे विच असीं देखदे हां कि विरोधी नूं तां विरोधी देखे जांदे नहीं गल है भी हुण वक्त बदल गया सोच बदल गई जिहड़े पॉलिटिशियन पहले सी ना हुण हैगे ना वो अगे रहने ने। जो मेरा अनुभव कहता मैं तो राजनीति तो इन्हां गल्लां तो दूर हो गया मैं तो बड़ा कुछ जिंदगी मिलिया मैंने तो सरदार बेअंत सिंह की डैथ तो बाद चीफ मिनिस्ट्री मिली मैं वो छड़ती असीं इन्हां तो दूर हाँ इस करके दूर हाँ अगे ना राजनीति यहोजी होनी है तो ना मैनूं लगता हो सकती। पर जे चंगे लोग हो सानूं उन्हां नूं प्रेरणा रखनी चाहिए असीं सारिआं नूं भाईचारे सारे इकट्ठिआं नूं लैके चलिए। फ्री सेवा जी हाँ पंजाबी भैणां ते भरावां लई एक सुनेहा अजिहा कि जिस नूं पढ़ ते सुन तुसी बदल सकदे हो अपनी जिंदगी। इस नूं ना समझना कोई इश्तिहार दुनिया भर दे विच तुसी घुम्मे होणे जोची मौलवियां तांत्रिकां ते बाबियां कोल पर नहीं जे बणिया हल तां मैं करांगा तुहाडियां सारियां समस्यावां दे हल। परेशानी जिवें ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸੌਤਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਪੂਜਾ ਮੰਗਲ ਦੋਸ਼ ਪੂਜਾ
नशा मुक्ति जा फिर शरीर दा कोई भी कष्ट होवे, मैं हर तरह दा कष्ट जा हर तरह दी परेशानी करांगा दूर ते इस केस दे विच मिलेगी तुहानू हर पासे सफलता। तुहाडी जिंदगी विच जेकर कोई दुख जा परेशानी है बात उसी करना है ते रास्ता असी देंगे। समस्या कोई भी होवे पर फीस कोई नहीं। जेकर माता नु मानदे हो ता एक बार जरूर फोन करो। मोबाइल नंबर 7973822721। पंडित श्री जी 100% गारंटी नाल पाओ हर परेशानी दा हल।